Hello everyone, welcome back to OESF Family Reactions. मेरा नाम है वकास. मेरा नाम मोहम्मद सदीक और मैं हूं मिसेस वकास. तो भाई लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ही प्रैंक वीडियो. तो उसको स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें. इसके अलावा हमारी इंस्टाग्राम आईडी, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके अपने सजेशंस दे सकते हैं. तो आज की वीडियो है आरजे नवीद की लिफ्ट प्रैंक 49. विवेक ओबराय भी हैं इसके अंदर. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो और देखते हैं कि ये प्रैंक कैसा होने वाला है. ओ आई मीन का आवाज नहीं है. आपने लिफ्ट में जान साथ लग गया. विवेक ओबराय आज लिफ्ट में हमारे साथ हैं और आज दुगना मजा आ जाएगा. सो आर यू रेडी गाइस? चलो जी आ जाओ. देख रहे का स्टाइल देखो. यार देख रहे ये क्या कान का मुझे आवाज नहीं है. परेशान यार. अब देखते क्या होता है. सर बिग बिग बैंग सर बिग बैंग सर
राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी अब्बू को बहुत पसंद आती है। अब्बू इसके अलावा किसी कॉमेडी में हंसते ही नहीं है, लेकिन इन्होंने वो जो बार बार अपने कानों में हाथ लगा स्टार्ट हुई थी, हम भी कुछ ऐसा समझे थे कि वीडियो में आवाज नहीं है। हाँ, मैं कहने वाला था यार आवाज आवाज वो किस तरीके से साइलेंट से बातें करे, तो वो लड़का तो यूं ही कर कि का आवाज नहीं आ रही है। एंड में से बोला सर मुझे आपसे तस्वीर लेनी थी, उसे बोला अच्छा वो पहचान तो गया था कि अब वो जब कह रहा मैं आपका बहुत फैन हूँ तो उसका मतलब प्रोग्राम भी देखता ही होगा। नहीं, वो विवेक ओबराय असल में फिल्म एक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इस प्रोग्राम में ये तो इन्होंने गेस्ट एज अ गेस्ट बुलाया। अच्छा, तो ये प्रोग्राम तो मतलब दूसरे का था, वो जो साइलेंट आरजे नबी था ना जो काली शर्ट के अंदर था, समझ गया उसका प्रोग्राम, वो उसका प्रोग्राम है, वो है आरजे नबी और विवेक ओबराय जो है वो फिल्म एक्टर है, तो उनके उनको स्पेशल गेस्ट बुलाया इसलिए था कि वो जाहिर बात है लोग उनको पहचानते हैं और फिर धोखा खाएंगे लोग, और इसीलिए लोगों ने धोखा खाया भी। अब्बू आपको कैसा लगा ये? बहुत माने किसी को चक्कर में लाना तो आप ये सोच चक्कर बन जाता है, ये करना पड़ेगा, ये सोच रहे एक बार हम भी प्रैंक ऐसा करें तो यार इसके लिए भी कितनी मेहनत बेचारे करते होंगे, आइडिया कितने आइडिया दुनिया में, कितने आइडिया उसको सोचना पड़ता है, बनाना पड़ता है, कहीं शिकस्त भी बेचारे खा जाते होंगे, वो कहते होंगे बस करो यार मैं पहचान गया हूँ। हाँ, ऐसा होता है कई दफा होता है। तो वो भी हमें दिखानी चाहिए वो टुकड़े जो काट दिए जाते हैं कि बस बस हम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, उनका मजा वाकई अलग है यार। हाँ, तो वो होता है कुछ ना कुछ टकरते होंगे ऐसे जो बहुत बड़े फैन देखे ना, अब यही बंदे हमारे सामने आ जाए कल कराची के अंदर हम तो पहचान जाएंगे, तो फौरन पहचान जाएंगे, हम रोजाना देखते हैं। तो बहरहाल रूह को खुश करने वाली सही गिजा है तो ये बिल्कुल। चलो भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ, खुदा हाफिज़।